9 सेकंड्स न्यूज में आप देख लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में श्रावस्ती से करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत। 14 जुलाई को जेपी नड्डा का दौरा, अवध की 16 सीटों को साधने के लिए रणनीति। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बोले देश में समान नागरिक कानून की जरूरत है, जल्द से जल्द इसे लागू होना चाहिए, मुस्लिम समाज के भी अधिकार अधिकतर लोग पक्ष में। बीजेपी मुख्यालय में 4 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया। सदस्य बनने वाले ज्यादातर नेता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। यूपी बीजेपी की आज महासंपर्क अभियान की समीक्षा, सभी जिलों और क्षेत्रों के प्रभारी बुलाए गए। लोकसभा क्षेत्र में 1000 लोगों से संपर्क, डोर टू डोर कैंपेन करने की योजना बनेगी। राजस्थान के बीकानेर में सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान, झूठ का बाजार। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो हुआ। बारिश के बीच भी काफिले के साथ साथ चले लोग, पीएम मोदी के काफिले के साथ चला साइकिल ब्रिगेड। प्रधानमंत्री के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस, जयराम रमेश ने झूठ के बाजार वाले पीएम के आरोप पर पलटवार किया, बोले प्रधानमंत्री के लिए हिपोक्रेसी की कोई लिमिट नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा ऐलान, कहा बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में करेगी विस्तार। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर पर कैबिनेट बैठक के बाद हुई टिफिन मीटिंग, इसमें सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। शिवराज बोले सभी पकवानों का स्वाद मिला। मध्य प्रदेश चुनाव में भी हो गई हनुमान जी की एंट्री। रामायण सीरियल में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल बोले हनुमान जी की बात सुनेगी प्रदेश की जनता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।